ये है पड़ावली की गढ़ी, जहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन कालांतर में गोहद जाट राणाओं ने यहाँ पर एक गढ़ी का निर्माण करवाया। गढ़ी यानी छोटा गढ़। तो उस गढ़ी में सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, मंदिर नहीं है। देखना ऊपर, वो देख यहाँ का शिलालेख, वो ऊपर 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 हर पत्थर पे आप देख सकते हैं। ये पूरा देख, पूरा के पूरी देख, कितनी सारी मूर्तियां हैं हर तरफ। कितनी मूर्तियां थे, मैंने भी कहीं नहीं देखी है। सूर्यास्त होने वाला है, कितनी मूर्तियां हैं। ये पीछे मंदिर था ना, वो तो टूट गया। पीछे की साइड ये तो वो है, सिर्फ मंडप मंडप। देखी थे इतनी मूर्तियां कहीं पर। इस साइड भी देख, ये तो बना के लगाई ना, इतने बारीक जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही तो था क्या? जीविकोपार्जन। नहीं, आप एक क्रिएट कर दो और क्या, राजा जो बोलता था वो करते थे लोग। विरासत में आप रखे। हाँ नहीं, विरासत क्या, ये तो राजा के लिए करते थे, खुद के लिए थोड़ी करते। यहाँ था मेन मंदिर, तो ये मतलब यहाँ से मंदिर था मेन, ये तो सिर्फ मंडप मंडप है। हाँ, पूरा मंदिर कैसे गिरा? तो गिरा दिया होगा जैसे भी हुआ होगा, वो तो उसके तो पत्थर ही गायब हो गए ना, ये लगा रखी ना मूर्तियां इन्होंने साइड में। ये है पड़ावली गढ़ी, जिसका निर्माण यहाँ के शासक वर्ग द्वारा करवाया गया था, और ये सिर्फ मंडप उसका बचा है। मंडप में हर जगह इसमें मूर्तियाँ देवी देवताओं की, रामायण महाभारत और अन्य धार्मिक कथाओं की मूर्तियाँ बनाई गई है। पूरा इसका जो सरफेस है उसमें मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनाई गई है, इसलिए काफ़ी सुंदर जान पड़ा है। बाद में गोहद जाट राणाओं ने इस मंदिर के आसपास एक छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया, और जिससे ये पड़ावली की गढ़ी कहलाने लगी। तो इसकी जो अंदर रेसेस हैं और जो ऊपर छत है, वहाँ पर जो जगह है उसमें भी काफ़ी अच्छी खूब सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है, जो काफ़ी दर्शनीय हैं। कहाँ गया भाई? देख सकते हैं इसमें अभी शाम होने आ गई, इसलिए रोशनी है नहीं, मूर्तियाँ अच्छी तरह नहीं देख सकते। ये पूरा क्षेत्र बटेश्वर मंदिरों से, जहाँ 200 मंदिर हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन, और ये देखिए कितनी खूबसूरत रामायण के दृश्य हैं, भगवान राम के वनवास जाते हुए। उधर थोड़ी कुछ है, उधर नीचे वो एक टैंक वैंक है, पानी कहाँ से आ रहा है उसमें? टैंक देखने लायक है क्या? अपन काम चल रहा है। हाँ वो तो
वो तो बाहर से ला रहे होंगे ना पानी तो? अच्छा, इसके ऊपर त्रिक चालक लगाया हुआ है, हो सकता है संभवतः कभी बिजली गिरी हो। ये हाथी के मुंह बाहर की तरफ और भारवाहक। हाँ आया, ये देखिए मूर्ति अंदर। सब तरफ मूर्तियां, हर तरफ मूर्तियां। वो सारी मूर्तियां जो टूटी हुई थी वो यहां पर लगाई हुई है। क्या हुआ? हाँ देख लिया ना, कुआं नहीं देखा? देख राम का वनवास जाते हुए, राम का वनवास जाते हुए चित्रण। ये दोनों भाई धनुर्धारी, ये देख फर्स्ट दो एकदम राम की तरह लग रहे हैं। अच्छा कुआं है ये? मुझे चक्कर आ गया वहां पर खड़ा हुआ। कहाँ पे? इतना गहरा है क्या? वाओ बहुत गहरा है। अच्छा इसका सारा पानी इकट्ठा होता होगा बरसात में? पूरी ढाल इस तरफ है। सूर्यास्त हो रहा है, अब हमें 64 योगिनी मंदिर देखना है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ा। क्यों? तंत्र विद्या और तंत्र शिक्षा का एक केंद्र था जहाँ पर हजारों लोग तंत्र विद्या सीखने आते थे, और वही हमारी संसद भवन का प्रोटोटाइप है। उसको देख ही एडविन ल्यूटियंस ने संसद भवन उसी के आधार पर बनाई। ये बड़े बड़े बुर्ज हैं और ये बड़े बड़े शेर हैं जो गोहद जाट राणाओं ने यहाँ पर छोटी गड़ी के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। ला आ जाएगा ना। हाँ लगा लो। शानदार खेच दे मेरा भी। तेरे से खेच ताकि तू मारे ना भेजे ना तो मैं भी तारे ना भेजे। एक आड़ा ले लेता हूँ। गढ़ी पड़ावली, तो ये है गढ़ी पड़ावली का इतिहास। गढ़ी पड़ावली के इस देवालय में मूल रूप से गर्भगृह एक मंडप का ही समावेश था, जिसमें वर्तमान में केवल प्रवेश द्वार पर स्थित मुख्य मंडप ही शेष रह गया है। मंदिर के अवशेषों में प्राप्त एक विशाल नंदी की प्रतिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित यह एक शिव मंदिर था। मंदिर के अंतर भाग में दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य गणेश काली एवं विष्णु के अवतारों का अंकन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त दीवारों पर भागवत रामायण एवं पुराणों से संबंधित प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया गया, जो उस काल की कला एवं संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। मंदिर कला के विभिन्न लक्षणों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निर्माण 10वीं शती ईस्वी में किया गया था। कालांतर में इस मंदिर को गोहद के जाट राणाओं ने 19वीं शती में द्वारा गढ़ी में परिवर्तित कर दिया गया। तो यह है पड़ावली की गढ़ी, और आप वहाँ देख सकते हैं वो है नंदी। ये है नंदी और ये है गढ़ी के बुर्ज, और यहाँ अमाल का है। देखिए ये है नंदी की
ये माला है नंदी की। With this, we close this vlog.